अरे छोटू देख उधर क्या चाहिए उनका, नमक में। अरे भाई नमक कहाँ है? अरे हल्दी के बगल में। और हल्दी कहाँ है? अरे नमक के बगल में। अरे क्या मजाक करती हो, हल्दी और नमक कहाँ है? अरे जीरे के बगल में। अरे जीरा कहाँ है? अरे वही तो रखा है सामने। अच्छा बाबा क्या अच्छा। हो गया आपकी आदाश को? देखता हूँ बाबा देखता हूँ। अरे दीदी बहुत भूख लगी है, चलो ना खाना खाते हैं। कोयल तुम यही रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हाँ बेटा भाई माफ कर दो, गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। चुप। माफी के लायक नहीं है तुम लोगों की गलती। खा खा करके मोटे मुस्टंडे हो गए हो, एक लड़की को और एक बच्ची को नहीं ढूंढ सके। भाई हम कोशिश कर रहे हैं भाई। ए! अपनी कोशिश ना घाटे में डाल। अगर उस लड़की की वजह से उस बच्ची पे मुसीबत आ गई ना तो तुम दोनों सोच भी नहीं सकते हो कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। फिक्र मत करो भाई, वो बच्ची पे आंच भी नहीं आएगी भाई। अगर उस बच्ची के ऊपर आंच आ गई ना तो तुम लोगों के ऊपर आंच नहीं, आंच का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक बात याद रखना। चलो गाड़ी में बैठो। हाँ भाई। हेलो, दिवाकर बोल रहा हूँ। जकोटा का पता चल गया, अब मंदिर दूर नहीं है। साहब आइए, आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ। साहब जब से इसने उस चोरनी को देखा है तब से सदमे में है। कौन चोरनी? पता नहीं साहब, कल रात को रोटी चुरा के भाग रही थी। अरे चोरनी थी तो पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी ना, सीआईडी को क्यों बुलाया? मगर साहब उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। खून? जी। कितने बजे की बात है? यही कोई 10:30-11 बजे की। अच्छा वो लड़की जिसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था जब तुमने देखा वो कहाँ पर थे? वहाँ उस तरफ। वहाँ? जी। यहाँ तो कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। रात को 10:30-11 बजे तो काफी अंधेरा होता होगा, तो फिर आप अपने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि उसके कपड़ों पे जो लगा हुआ था वो खूनी है कुछ और नहीं? मगर साहब हमारे ढाबे पे बहुत रोशनी रहती है रात में, मैंने उसी रोशनी में साफ साफ देखा वो खून ही था और कुछ नहीं। साहब ये ठीक कह रही है। साहब उस चोरनी की शॉल हमारे पास है और उस पर भी खून है। आप बताइए साहब, अगर उसके कपड़े पे खून नहीं होता तो शॉल पर कैसे खून होता साहब? वो शॉल कहाँ है देख सकते हैं? छोटू शॉल लेके आ, जल्दी लेके आ।
ये देखो साहब। है तो ये खून ही, रेडी एविडेंस बैग में डाल दो। अच्छा आप लोग कह रहे थे कि उस लड़की के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। हाँ साहब, उसके साथ 7-8 साल की बच्ची थी, पर मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। सर हो सकता है कि वो लड़की या बच्ची घायल हो और शॉल पे लगा हुआ खून उन्हीं में से किसी का हो। नहीं नहीं साहब, जिस तरह से वो दोनों भाग रहे थे मुझे नहीं लगता कोई घायल था या किसी को चोट लगी है। इसका मतलब उस लड़की ने अपने कपड़े पे लगे हुए खून को छुपाने के लिए ये शॉल लपेटी होगी, वरना अप्रैल के गर्मी में कोई शॉल क्यों पहनेगा। वो दोनों भागे किस तरफ से? उस तरफ। इस तरफ? हाँ साहब। खून से सने हुए कपड़े पहन के वो लड़की बच्ची के साथ भागी है रात को, तो यहाँ किसी रिक्शे वाले ने या दुकान वाले ने जरूर देखा होगा। तो काम करते हैं, इस औरत से उस लड़की का स्केच बनवाते हैं और आसपास लोगों से पूछते हैं। वो देखो 24 घंटे खुले रहने वाली दवाइयों की दुकान, अगर वो लड़की यहाँ से गई होगी तो शायद इन लोगों ने कुछ देखा हो। सुनिए भाई साहब, हम लोग CID से हैं। CID? क्या हुआ साहब? कल रात आपने एक 19-20 साल की लड़की को देखा था, एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल की बच्ची के साथ। हाँ देखा था ना साहब, आप हॉस्पिटल से आ रहे ना? हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? सर सिटी हॉस्पिटल, कल रात वहीं तो लेके गया था मैं इन दोनों को। आप इस लड़की की बात कर रहे हैं? हाँ इसी की बात तो कर रहा हूँ साहब मैं, कल रात इसकी छोटी बहन आई थी मदद मांगने मेरे पास। कैसी मदद? सर एक्सीडेंट हो गया था इस लड़की का। और छोटी वाली बच्ची आई हमारे पास ताकि हम इसकी मदद कर सके। क्या हुआ बेटा? मेरी दीदी का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज मेरे साथ आओ। कहाँ पर? चलो 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 दिखाओ, चलो दिखाओ उधर, चलो 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 चलो। तुम दोनों अकेले आ रहे थे इस ओर, यहाँ क्या करने आ गए तुम लोग? कैसे हुआ ऐसा बेटा? चोट तो इतनी गहरी नहीं है, फिर इतना सारा खून कैसे? पता नहीं अंकल, पर प्लीज आप दीदी को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए। हाँ चलो चलो चलो। आपको उनके बारे में कोई खास बात याद है? कहने को तो एक दूसरे को बहने कह रही थी साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं। लगा नहीं? क्या मतलब? मतलब ये सर कि जो छोटी वाली बच्ची थी वो किसी अच्छे परिवार से लग रही थी, और वो जो बड़ी वाली लड़की थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो किसी गरीब घर से लग रही थी। फ्रेडी पता करो पिछले 24 घंटे में किसी ने 7-8 साल की बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या? वो कौन हो सकता है? कितनी बार बोला है दूध वाले को दूध मेरे हाथ में देके जाएगा।
सर, ये डॉक्टर भास्कर हैं। आपको जिस लड़की की तलाश थी, कल रात उसका इलाज इन्होंने ही किया था। आप लोग CID? क्या बताऊं सर, बड़ी अजीब लड़की थी वो, रुशिता थी। मतलब? मतलब चली गई यहाँ से। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं। आप लोगों ने जाने क्यों दिया उसे? माथे पे हल्की सी खरोच थी सर, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक्सीडेंट हुआ था उसका। ठीक थी, इसीलिए जाने दिया। अच्छा, उस लड़की का नाम रुशिता था? जी सर। अब उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था? जी हाँ सर, लेकिन पता नहीं इतना ज्यादा खून कहाँ से आया उसके कपड़ों पर। वो कपड़े जिन पर खून लगा हुआ है, वो कपड़े हैं आपके पास? जी सर, हमारे पास हैं। वो कपड़े हमें चाहिए। डॉक्टर साहब, उस लड़की के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? जी नहीं सर। साहब, मैं कुछ बोलूं? जी हाँ, बोलिए। उस रात वो लड़की बहुत ही काफी सारी घबराई हुई थी। उसने मेरा फोन लिया और किसी को फोन किया भी। उसने किसको फोन किया था? पता नहीं सर, बात वो नंबर भी डिलीट कर दिया। नंबर भी डिलीट कर दिया? आपने सुना उसने क्या बात की फोन पे? हाँ सर, वो किसी को कह रही थी कि वो बहुत जल्दी वापस आएगी। बहुत जल्दी वापस आ जाएगी? अब कोई जगह का नाम लिया उसने, कुछ बताया? नहीं सर, किसी जगह का नाम तो नहीं लिया। अच्छा, उसने कितने बजे आपके फोन से फोन किया था? यही रात के करीब 11 बजे। रात 11 बजे? निकले, काम करो, इनसे इनका फोन नंबर ले लो और पता करो कि रात 11 बजे रुशिता ने कहां पे फोन किया था। सर, अगर रुशिता कोयल को लेकर भाग रही थी तो उसने उसका विरोध क्यों नहीं किया? चीखी या चिल्लाई क्यों नहीं? पंकज, कोयल एक 8 साल की बच्ची है, 8 साल की। हो सकता है रुशिता ने उसे धमकाया होगा, डराया होगा, कैसे चिल्लाएगी वो? सर, सर, रुशिता ने हॉस्पिटल से जिस जगह पर फोन किया था उस जगह का नाम भिंडारी है। क्या कहा तुमने? भिंडारी? भिंडारी तो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। सर, ये भिंडारी कहीं रुशिता का गांव तो नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर, एक और बात पता चली है। वो क्या? इस लड़की के लापता होने की रिपोर्ट उसकी बुआ नयनतारा ने लिखवाई थी, ये देखिए। मगर रिपोर्ट लिखवाने के 24 घंटे बाद उन्होंने ये रिपोर्ट वापस ले ली। क्या, रिपोर्ट वापस ले ली? मतलब लड़की उन्हें वापस मिल गई? नहीं पंकज, अगर कोयल मिल जाती तो रुशिता के साथ हॉस्पिटल में नहीं होती। कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। क्या, कहां पर? सुबह सुबह दिवाकर जी को दूध तुम ही देते थे? हाँ साहब, मैं ही दूध देता था, लेकिन इस बार लगता है कि कोई और दूध देके चला गया साहब। कोई और दूध देके चला गया मतलब? हाँ साहब, जब मैं सुबह 6:30 बजे इनके घर आया तो देखता हूँ कि दरवाजा खुला पड़ा है और दिवाकर साहब यहाँ पर जमीन पे गिरे पड़े हैं और दूध की शीशी भी खुली पड़ी है साहब। सच कह रहे हो तुम? कसम से साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। सर, सर, ऐसा लगता है कि खूनी को अच्छी तरह से मालूम था कि दिवाकर जी को सुबह उठकर दूध पीने की आदत है, इसलिए वो दूध वाले से पहले यहाँ आया और बाहर दूध रख दिया, जहरीला दूध। दिवाकर जी एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार, और एक पत्रकार की किसी से दुश्मनी तभी हो सकती है जब वो किसी के खिलाफ कुछ लिख रहा हो या लिखने वाला हो। सर, ये जूते के निशान अंदर की तरफ गए हुए हैं। सर, हो सकता है ये निशान खूनी के हो? हो सकता है निखिल। एक काम करो, यहाँ की हर चीज पे से उंगलियों के निशान उठा लो और एम्बुलेंस को फोन करो। ये देखो, इधर भी है निशान। लैपटॉप के पास था निशान। आखिर ऐसी कौन सी चीज है इस लैपटॉप में जो खूनी यहां तक चलाया? ये देखो विनीत, फोल्डर फ्रीडम। ये क्या, इस फोल्डर में से तो फाइल ही गायब है।
और इस फाइल को 6:15 बजे डिलीट किया गया है। स्वतंत्र सर, ये लैपटॉप में फ्रीडम नाम का फोल्डर और ये स्वतंत्र नाम की मैगजीन यहाँ पर। सर ऐसा लगता है कि आदमी देश के हित में कुछ काम कर रहा था या फिर कुछ लिख रहा था। अवनीत, हो सकता है कि ये दिवाकर कुछ असामाजिक तत्वों पे स्टोरी लिख रहा हो और जिनके लिए खतरा बन रहा था उन्होंने इसे रास्ते से हटा दिया। सालुंखे, क्या खबर है? अरे बॉस, गांव जाना पड़ेगा अब तो। तो जा, रोका किसने? सर गांव जाएंगे ना तो मुझे भी लेके जाना प्लीज, मैं गांव कभी नहीं गया हूं सर। हां ले चलूंगा, और एक काम करना, तुम उस गांव में ही अपना एक छोटा सा घर बना लेना नदी के किनारे, ठीक है? मगर सालुंखे तू गांव क्यों जा रहा है? यहां का काम कौन करेगा? बस लाशें कंकाल वगैरह सब गांव में ही भेज देना। यार तू घुमा फेरा के बात करना बंद कर और सीधा सीधा बता बात क्या है। बात क्या है यार, सारा दोष इस शॉल का है जो उस रुषिता ने ओढ़ रखी थी। सर आप इस शॉल की वजह से गांव जाना चाहते हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बॉस इस शॉल पर मुझे कुछ पोलन मिले। पराकण? हाँ पराकण। किस चीज के हैं? वाल, चना और चवली के, जो कि रबी की फसल है। सर जब मैं 8वीं स्टैंडर्ड में स्कूल में था ना तब मैंने ये पढ़ा था। तो ये भी पढ़ा होगा कि सारी फसलें किसी ऐसी वैसी जमीन पर नहीं होती, खास किस्म की उपजाऊ जमीन पे होती है। हाँ सर, और ऐसी जमीन यहाँ आसपास सिर्फ एक ही जगह पर है। कहाँ पे सर? भैरवगंज में। भैरवगंज? सर भैरवगंज तो बहुत बड़ा इलाका है, सैकड़ों एकड़ की जमीनें हैं वहाँ पर, तो रुषिता कहाँ पर होगी ये कैसे पता चलेगा? सर आप लोगों का काम आसान करने के लिए एक और सुराग है हमारे पास। क्या? ये देखिए। यार ये मुझे बाल लगता है। बाल ही है, घोड़े का बाल। घोड़े का बाल? घोड़े का बाल मतलब जहां से रुषिता आई है वहां पर चना चवली वाल की फसल भी है और घोड़े भी हैं। भैरवगंज। रुषिता ऐसे इलाके से आई थी जहां चना चवली और वाल की खेती होती है। शहर का यह आखिरी ऐसा इलाका है जहां इन तीन फसलों की खेती एक साथ होती है। लोगों से पूछते हैं इन फसलों के साथ साथ शायद यहाँ पे कोई अस्तबल हो और शायद किसी ने रुषिता को देखा हो। किसी ने दिवाकर जी को दूध में जहर देके मार दिया। मगर दिवाकर सर का खून किया किसने?
देखिए, यही पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए और इसी सिलसिले में आप लोगों की मदद चाहिए। कहिए, क्या मदद कर सकते हैं हम लोग आपकी? दिवाकर जी की किस किस से दुश्मनी थी, इस बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? दिवाकर सर से तो बहुत लोग नाराज थे। लेकिन लोग उनसे नाराज क्यों थे? सर हमेशा यही कहते थे कि कलम में बंदूक से ज्यादा ताकत होती है और एक पत्रकार का कलम समाज में क्रांति ला सकता है, बस इसी वजह से लोग उनसे जलते थे। अच्छा ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में क्या उन्हें कोई धमकी वमकी मिली थी क्या? धमकी भरे फोन कॉल्स तो आते ही रहते थे सर, खासकर वो औरतों के हित के लिए बहुत काम करते थे। आज भी उन्होंने हमें घर पे कोई रिपोर्ट दिखाने के लिए बुलाया था, पर हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। सर कहीं दिवाकर ने लोगों को वही फ्रीडम वाली रिपोर्ट देखने के लिए तो नहीं बुलाया जो उसके लैपटॉप से डिलीट कर दी गई? हो सकता है विनीत, ये हो सकता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा ये बताइए कि ये इस मैप पे ये काले पेन से निशान क्यों बनाया गया? पिछले महीने ही दिवाकर सर उन जगहों पर गए थे किसी न्यूज स्टोरी के लिए। बीतपुर, हिलारी और भिंडारी। भिंडारी सर, ये तो वही जगह है ना जहाँ रशिता ने फोन किया था? अविनीत, ये वही जगह है जहाँ रुशिता ने फोन किया था। इसका मतलब है कि दिवाकर का कुछ ना कुछ संबंध जरूर है इस रुशिता के साथ। निखिल, भिंडारी गया हो? तो फिर टिकट कटाओ, जाना पड़ेगा भिंडारी। सर ये फार्म हाउस तो एकदम सुनसान लग रहा है। नहीं, कोई ना कोई तो जरूर होगा। तुम उधर देख, कोई अस्तबल है क्या? ये बदबू कैसे? खूनी को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना उस मासूम बच्चे की जान को खतरा बढ़ता जाएगा। कोयल, क्या लगती है आपकी? मेरी भतीजी है सर, प्लीज कोयल को कुछ नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके प्लीज उसे ढूंढ निकालिए। देखिए, कोयल को तो हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन पहले आप हमें साफ साफ बताइए क्या हुआ था। परसों में जब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लौटी तब देखा कि राहुल भैया मुझे लेने एयरपोर्ट तक नहीं आए, तो मैंने उन्हें फोन किया था। उन्होंने फोन उठाया पर मुझसे बात नहीं हुई। भैया भाभी फोन पर झगड़ रहे थे। किस बात के लिए झगड़ रहे थे दोनों? वो तो ठीक से सुनाई नहीं दिया, तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई। भाभी कोयल को वहां से भाग जाने के लिए कह रही थी, फिर फोन कट गया। अच्छा, तभी तो तुमने कोयल के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। तो रिपोर्ट वापस क्यों ली? मुझे किसी नंबर से धमकी भरा फोन आया था। धमकी भरा फोन आया था? कहां से, किसने किया था फोन? वो तो पता नहीं, कोई प्राइवेट नंबर था। वो कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट वापस नहीं ली तो वो कोयल को मार देंगे। कोयल के माता पिता राहुल माया से मिली? नहीं, राहुल भैया ने नया घर खरीदा था और मैं उसका एड्रेस नहीं जानती थी। चलो ठीक है, एक बात बताओ, किसी रुशिता को जानती है आप? रुशिता कभी नाम सुना है आपने? जी नहीं। नहीं? श्रेया जरा इन्हें स्केच दिखाओ रुशिता का। सर, अब जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए। हो सकता है इसे पहले शायद आपने कभी देखा हो या मिली हो आप? जी नहीं सर। ठीक है, अब जा सकती है। इनसे जरा राहुल और माया दोनों के फोटोग्राफ्स लेना। सर, आसान के रुशिता के कपड़ों पर जो खून मिला है वो किसी आदमी का है। अच्छा, और दिवाकर के लैपटॉप पर जो उंगली के निशान मिले वो? ओ, दिवाकर के अलावा और किसी के हैं? किसके हैं सारुण के? अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ सर? दिवाकर के लैपटॉप पर जकोटा के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जकोटा के।
चकोटा, ये तो वही आदमी है ना सर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंसानों की तस्करी के चक्कर में कई बार जेल जा चुका है। वही चकोटा है ये। विनित, उठाओ इस चकोटा को, उठाओ। कुलदीप, यहाँ पर ये जितने भी ब्लड सैंपल्स हैं उठा लो। सर, मुझे लगता है इन दोनों की मौत लगभग 48 घंटे पहले हुई है। 48 घंटे मतलब दो दिन पहले हुए ये खून। सर, अगर ये दोनों खून रोशिता ने किए हैं तो उसे दो दो गन्स की जरूरत क्या पड़ी? यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या होगा सर? पूरे फार्म हाउस की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। तो कहीं इस औरत ने तो गोली नहीं चलाई सर? यस, यू आर राइट। हो सकता है कि इस औरत ने इस आदमी पे गोली चलाई और जैसे ही फिर भागने के लिए मुड़ी दरवाजे की तरफ। सर, अगर इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया तो फिर रोशिता के कपड़े पर वो खून का दाग कहां से आया? ये बात तो है, लेकिन रजत, जिस तरीके से रोशिता के कपड़ों पर खून लगा हुआ है उसे देख करके लगता है कि या तो रोशिता किसी लाश के ऊपर गिरी है या कोई लाश रोशिता के ऊपर गिरी है, इसी वजह से वो खून उसके कपड़ों पर है। सर, खिलौने वगैरह। सर, जरूर वो बच्ची भी उस दिन रोशिता के साथ यहीं पर होगी। सर वो देखिए, वो लैंप के ऊपर क्या लगा हुआ है? ओ, लैंप में सीसीटीवी कैमरा छुपा रखा है। सर, जरूर इस सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। हाँ पूर्वी, पंकज लैपटॉप लेके आओ। अरे ये तो वो पत्रकार दिवाकर है। सर, ये यहाँ क्या कर रहा है? जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है इस दिवाकर और रोशिता के बीच में। हाँ सर, इसलिए भंडारी भी तो गया था। सर, बाहर जो दो लोगों की लाश है वो राहुल और माया है, नैन तारा के भैया और भाभी श्रेया ने भेजा। ये देखिए, नैन तारा को फोन करके बता दो उसके भैया और भाभी की मौत के बारे में। सर, पर ये जमीन की फोटोज क्यों ले रहा है? बाहर चल के देखते हैं। ओह, तो ये है वो जगह जिसकी जासूसी दिवाकर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा क्या है यहाँ पर? पंकज, ये सामान हटा। खुफिया दरवाजा। सर, ये रास्ता तो नीचे की तरफ जा रहा है, शायद बेसमेंट में। सर, जरूर यहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा होगा। अंदर चल के देखते हैं। दिवाकर औरतों के संघर्ष के लिए काम कर रहा था ना, तो यहाँ पर जो औरतों पर अत्याचार हो रहा था जरूर उसकी तहकीकात करने आया होगा। सर, शायद रोशिता को भी यहीं कैद करके रखा होगा, इसलिए उसने जो कुछ भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया होगा। इसका मतलब उस बच्ची के अलावा रोशिता की जान को भी खतरा है। ये लोग जरूर कोई भी ऐसा सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहेंगे जिससे कि हम उन्हें आसानी से पकड़ सकें। बाबा, बेटा खाना खा ले। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है।
ऐसे कैसे भूख नहीं है, सुबह से रोटी का एक भी निवाला तेरे पेट में नहीं गया। ले बेटा थोड़ा सा खा ले। नहीं बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर सीआईडी वाले मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए तो। अरे तो क्या, पहुँच गए तो उनको सच्चाई बता देना। वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे बाबा, कोविल को उसके घर भेज देंगे, उन भेड़ियों के पास। ढूंढने की जरूरत नहीं। वो भेड़िए खुद चल कर आए हैं तुम्हारे पास। छोटा तुम? हाँ मैं। तुझे क्या लगा था कि तू भाग जाएगी और हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? दुनिया बहुत छोटी है और जकोटा की पहुंच बहुत लंबी। तू दुनिया के किसी भी कोने में रहती ना तो जकोटा तुझे ढूंढ लेता। जकोटा अंकल? ले 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 ले। मेरी नन्ही प्यारी थोड़ी जग गई। हाँ अब घर चलते हैं। कोयल कहीं नहीं जाएगी। अब कोयल ही नहीं, तुम दोनों भी चलोगे मेरे साथ। चल चल। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? बहुत बहादुर है ना तेरी बिटिया, तो बहादुरी का इनाम तो मिलना चाहिए ना इसे। नहीं चलो रे, चल ले चले चलो। हेलो, रास्ते में गाड़ी लगा दी, चला रहा जल्दी से। देख कौन गाड़ी खड़ा किया। गाड़ी बॉस, गाड़ी भाई कहाँ भाग रहा है? तुम मुझे क्यों मारते हो? इसे भी तो पकड़ो, ये भी तो मुजरिम है, इसने भी तो राहुल साहब और मैम एम साहब का खून किया इसने। नहीं सर, मैंने उन दोनों को नहीं मारा, उन दोनों ने खुद एक दूसरे पर गोली चलाई और एक दूसरे को मार डाला। ये झूठ बोल रहे हैं साहब, मैम एम साहब तो राहुल साहब से बहुत प्यार करते थे, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें तुम्हारे काले धंधों के बारे में पता चल गया था सर। ये गांव से लड़कियां खरीदते हैं, शहर और विदेश में उन लड़कियों को उच्च दामों में बेचते हैं, दुल्हनों का व्यापार करते हैं सर। ये दरिंदे दुल्हनों का व्यापार? शर्म नहीं आती? इस देश में लड़कियों का देवी माना जाता है, पूजा की जाती है उनकी, तो उन्हें विदेश में। अब हम क्या करते, उन लड़कियों की रिश्तेदारी तो उन्हें बेचते हैं। किनको बेचते थे? राहुल साहब और उनके पार्टनर को। राहुल का पार्टनर कौन? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता। लड़कियों के रिश्तेदारों को बुला, उन्हीं से पूछते हैं क्यों किया उन लोगों ने इतना घिनौना काम। मुझसे गलती होगी साहब, मुझे माफ कर दो। गलती? गलती नहीं, पाप है ये पाप। चंद पैसों के लिए अपने ही परिवार की बच्चियों को आप लोग नरक की भट्टी में ढकेल देते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? साहब चंद पैसे नहीं साहब, 2,500 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक की बोली लगती है उन लड़कियों की। हम तो उन्हीं लड़कियों को निशाना बनाते थे जिनके माँ बाप नहीं होते। इन रिश्तेदारों को पैसे का झांसा देना बहुत आसान होता है क्योंकि ये बिन माँ बाप की बच्चियों को बोझ समझते हैं। और आप लोग खुद एक औरत हो, एक औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकती? आराम। आप तो रुशिता के सगे पिता हैं, फिर भी आपने अपनी बच्ची के साथ। मुझे नहीं पता था कि
मेरी रुशिदा के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। कहा गया था कि रुशिदा की शादी अमीर और काबिल लड़के के साथ होगी। वो विदेश में रहेगी, रानी बनकर रहेगी। अब आप ही बताइए सर, ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी की भलाई नहीं चाहेगा? और ये सुनहरे सपने आपको दिखाए किसने? तमकी ने। तमकी? ये तमकी कौन है? साहब, कहने को तो वो इस गांव के लड़के लड़कियों का रिश्ता करवाती है, लेकिन असली व्यापार उसका यही है, दुल्हनों की बिक्री का। तमकी? अरे हाँ हाँ, समझ गई, काम हो जाएगा। हाँ बाबा ठीक है, पैसा लड़की देखने के बाद। अच्छा रुक, बाद में बात करती हूँ, कोई आए। तू यहाँ क्यों आया? तुझे मना किया था ना, पता है ना यहाँ क्या हालत है, खुद भी फंसेगा मुझे भी फंसवाएगा। हाँ पता है, पर क्या करूँ, एक बहुत बड़ा गिराक लगा है मेरे हाथ, पूरे 10 लाख देगा, इसलिए रहा नहीं गया, सीधे तेरे पास ले आया हूँ। दस लाख? तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? अरे नहीं नहीं, धन व्यापार के मामले में मैं बिल्कुल मजाक नहीं करता। अच्छा तो लिया, जल्दी से जाके लिया। ये चंदर है, पास ही के गांव में रहता है। नमस्ते भैया, बैठो 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 बैठो। अभी बैठिए। और भैया? अरे मेरे भैया, 10 लाख में तो मैं तुझे दुल्हन ही नहीं, चांद का टुकड़ा लाके दूंगी, चांद का टुकड़ा। वो क्या है ना कि मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, आप ही का सहारा है, अगर आप हाथ पीले करवा दें। भैया तू फिक्र मत कर, तेरे हाथ बहुत जल्दी पीले करा दूंगी मैं, बस इतना बता दे कि तुझे कैसी लड़की चाहिए। वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस खाली दुल्हन खूबसूरत होनी चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसे, और अच्छा खाना बना लेती हो। माँ बाप की सेवा जरूरी है। एक है ऐसी लड़की, रुक तू बैठ, मैं भी आती हूँ। देखो भैया ये है सोना, पांचवी पास है, पांचवी पास, पढ़ाई लिखाई में तो बहुत होशियार है और हिसाब किताब में तो इतनी तेज है कि पूछो मत। कैसी लगी भैया लड़की, अच्छी है ना? सोना तुम ही हो ना जिसे राहुल ने फार्म हाउस में कैद करके रखा था? जी। कौन हो तुम? सीआईडी। बाकी की लड़कियां कहां हैं? कहां हैं बाकी की बच्चियां? अंदर। डरो मत, हम लोग सीआईडी से, तुम्हें तुम्हारे घर वालों तक पहुंचा देंगे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। गांव के गरीब लोगों को लालच देके उनकी बेटियों को बेचती हो तुम? गलती हो गई सर, पर लालच तो मुझे भी दिया गया था। किसने किसने दिया लालच? सब वो। मुझे किसी नंबर से धमकी भरा फोन आया था, वो कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट वापस नहीं ली तो वो कोयल को मार देंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। जकोटा अंकल कहाँ है? मैं जकोटा अंकल के साथ नहीं आई। फिर कौन ले आया तुम्हें यहाँ? सीआईडी अंकल। क्या सीआईडी? हाँ सीआईडी। हाँ
बहुत शौक है ना लड़कियां बेचने का। ये सच है, मैं और मेरा भाई राहुल हम दोनों मिलकर इस काले धंधे को अंजाम देते थे, मगर इसने राहुल को मार के सारा काम चौपट कर दिया। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, तुम्हारा भाई मरा तुम्हारी भाभी माया के हाथ। सुबह के 10 बज रहे थे, मैं घर में बर्तन साफ कर रही थी और मेरी साथ वाली लड़कियां खेतों में काम कर रही थी। राहुल साहब फोन पर हमारी खरीदारों से बात कर रहे थे। 15,000 में? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? अरे मैं कोई भेड़ बकरियों का सौदा नहीं कर रहा हूँ, जीती जागती जिंदा लड़कियों का सौदा कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मुझे हर एक लड़की के 1,00,000 रुपए चाहिए, समझे तुम? 1,00,000 कोड़े पड़ेंगे जब नर्क के दरवाजे पे जाओगे। माया तुम? हाँ, खुद को इंसान कहते हो तुम, इन मासूम लड़कियों को सामान बनाकर बिक्री कर रहे हो। शर्माती है तुम जैसे जानवर को अपना पति कहने में। माया ये मेरा काम है, और प्लीज तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, घर जाओ और जाकर के अपना काम करो। अच्छा, जानते हो तुम जैसे मर्दों के इसी रवैये के कारण ना आज दिन ब दिन औरतों पे अत्याचार बढ़ते जा रहे। लेकिन बस बहुत हो गया, अब और नहीं होने दूंगी मैं। क्या करोगी तुम, क्या कर लोगी? क्या करूंगी? वो कहते हैं ना कि जब समाज की सफाई करनी हो ना तो शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, और आज सबसे पहले मैं अपने घर के रावण का ही सर्वनाश करूंगी और इन मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाऊंगी। माया ये गन अंदर रखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति हो तुम? मगर आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे? धमकी के जरिए। तुम्हें क्या लगा राहुल को आगे रखोगी और खुद कभी सामने नहीं आओगी तो बच जाओगी? मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस दिन विदेश से लौटी उसी दिन ये सब होना था। फार्म हाउस जाकर देखा तो दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। पर कोयल गायब थी, इसलिए तुमने कोयल के गायब होने की कंप्लेन लिखवाई। लेकिन जैसे ही जकोटा ने तुम्हें यह बताया कि कोयल तुम्हारी ही खरीदी हुई एक लड़की के साथ है, तो अपने आप को बचाने के लिए तुमने कंप्लेन वापस ले ली। हाँ। पर ना ही जकोटा बचा और ना ही मैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। बर्बाद तुमने किया है, न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने, औरतों की औरत के खिलाफ जुर्म किया है तुमने। अदालत तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी।